एक आपके पास सिनारियो होता है या बैकग्राउंड होता है जिसको कहते हैं स्टिमुलस। सिनारियो, बैकग्राउंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सिचुएशन वगैरह, उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस आपने पाई चार्ट बना के दे दिया और उसके बेस पर क्वेश्चन रिवीजन कर लिया, अपने पाई चार्ट को क्या कहते हैं? आपने पैराग्राफ दे दिया और इस पैराग्राफ के बेस पर आपने क्वेश्चन दे दिया, तो इस पैराग्राफ को क्या कहते हैं? ज्यादातर इंस्टीट्यूट में ये नहीं होता स्टिमुलस, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ होता है तो वही आपके पास स्टिमुलस होते हैं। आप डायरेक्ट चले जाते हैं जो आपने कहा सर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए प्रॉपर वर्ड क्या है? स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसके लिए कौन सा लफ्ज है? अगर कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आपने पैराग्राफ दिया है कि इसको रीड करके इन सवाल के जवाब दें या इनमें से सही जो है उसको टिक कर दें, वो किस्म के सवाल हो सकते थे ना। आपने कहा पैराग्राफ पढ़े फिर सवाल दे दिया, अगर सवाल आपने दे दिया कि इनमें से चूज द करेक्ट वन इसी के बेस पर, तो आपके पास एमसीक्यू बन गया। अगर आपने कहा कि नहीं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है सर, सो देयर अ पॉसिबिलिटी कि अब आप उस कॉम्प्रिहेंशन से क्या आंसर निकालते हैं, किस किस्म के निकालते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन सर। अच्छा अब देखें स्टेम, आप देखें सर जो एनालिटिकल पेपर्स होते हैं ना पीएमएससी सिस वगैरह में या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर बाकायदा सिनारियो दिया गया होता है और उसी के बेस पर एमसीक्यूज डेवलप होते हैं, तो भी कॉम्प्रिहेंशन ही हो गया। अच्छा जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं सारे के सारे, सारे के सारे को क्या कहते हैं? ऑप्शंस। ये हो गया स्टिमुलस जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो सवाल हो गया उसको क्या कहते हैं? और ये सारे के सारे को क्या कहते हैं? और इनमें से जो टीक होता है उसको क्या कहते हैं? जो टीक होता है उसको क्या कहते हैं? सर जो टीक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं की। क्या कहते हैं उसको? की। जो गलत ऑप्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए मैंने कहा ना आज मैंने तकारीर नहीं करनी, टेक्निकल चीजें समझानी, ट्राई देखे आई ऑलवेज से ट्राई टू बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशनल। जब प्रोफेशनल कैसे बन पाए, जब आप किसी के पास लेकर जाते हैं सर आपके पास मोबाइल है ना, और आपको बंदा कहे कि सर इसकी जो है वो बैटरी इतनी है, इसमें जो है स्पेस इतनी है, इतना प्रोसेसर है, रैम है वगैरह, आप बड़े मुतासर होते हैं ना, इतना स्टोरेज है वगैरह, आप बड़े मुतासर होते हैं। और आप किसी ऐसे बंदे को दे जा कहते हैं सर ये फतीक बड़ा शे वीडियो उगानी जुड़ेगी तब दानक हुएगी बड़ा तब स्टोरेज होता है, टेक्निक बोल अल्फाज टेक्निकल अल्फाज होता पता नहीं चले ये मतलब दानक हुई। पीपल विल अंडरस्टैंड यूर वैल्यू विल यू आर मोर टेक्निकल मोर प्रोफेशनल, लेकिन आप वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यू आर नॉट प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल टीचर्स। एक बंदे को मैं पढ़ रहा था शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, कैसे कमाऊँ कैसे कमाऊँ। तो उसने बड़े मज़े की बात की, उन्हें कहा बेटा अपनी वैल्यू बढ़ा दो, पैसे खुद बहुत आपके पास आते हैं, लेकिन पैसे के पीछे भागेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी। अब वैल्यू किस तरह से बढ़ती है? जब आप चीज़ों को समझते हैं, ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स, दिस टेक्निकल थिंग्स, इट विल मेक यू मोर वैल्यूएबल। इज इट क्लियर? ठीक है, डोंट फील बोर प्लीज। इन सारे के सारों को कहते हैं ऑप्शन, जो सही आंसर होते हैं उसको क्या कहते हैं? और ये ऐसे अल्फाज नहीं है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्शन आपने किस तरह से डालनी है, की किस तरह से डालनी है। हमारे एक मोहतरम उस्ताद थे सर जिसका नाम नहीं लेता, तो उसने अपनी आसानी के लिए क्या किया था, अटेंशन, उन्होंने कहा जी ये सी 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 सारे के सारे की डाल दिए थे। तो हमने पूछा सर ये इसकी लॉजिक क्या है,
है कि आपने सारे के सारे सीसी डाले, सर इसकी मार्किंग बढ़िया सामने की है ना, ताकि बने फार्मूला होता है इसका। फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास थ्री ऑप्शन है तो आपने टी को जो लोकेट करना है 33% ए, 33% बी, 33% सी, इस फार्मूले के साथ आपने शफलिंग करनी है। अगर फोर ऑप्शन आपके पास है तो फिर आपने कितने करना है, 25% ए होंगे, 25% बी होंगे, 25% सी होंगे, इस तरीके से करना है। ऑप्शन जो है जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि तीन इंसानों के नाम दे दे, जूता जानवर का नाम दे दे, खुदा के बंदे और एक लॉजिकल सीक्वेंस उसकी होती है, एक तरीका का होता है। स्टेम आप ऐसी देते हैं कि वो बिल्कुल वाजे हो। एक जगह पे एक स्टेम दिया गया था, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सियालकोट, डू यू रिमेम्बर, सवाल दिया गया था कि सियालकोट में कौन पैदा हुआ था, सियालकोट में। अब खुदा के बंदे सवाल ही गलत है, आपका स्टेम ही गलत है। मैं कहूँ सियालकोट में तारिक पैदा हुआ था, आप कहें कौन से कौमी शायद सियालकोट में पैदा हुए थे, अब आपका सवाल ठीक है। आपने स्पेसिफिक कर लिया, स्टेम का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने, इज द मैसेज क्लियर। अगर स्टिमुलस है तो आप वो इन्फॉर्मेशन दे दें जिसके बेस पर के नीचे सवालात भी बनेंगे ना। आपने ए सिस्टम दे दी, स्टिमुलस दे दी, जो नीचे उसके बेस पे सवाल ही नहीं बन रहे, इसका मतलब कि अल्फाज ऐसे नहीं है, हर एक चीज़ के बेस पर दूसरी चीज़ बेस करती है। स्टिमुलस के बेस पर स्टेम डेवलप होगी, स्टेम को आपने क्लियर करनी है। ऑप्शंस आपने बिल्कुल लॉजिकल देने हैं और की जो है आपने लोकेट करनी है प्रॉपरली। और आखिरी वाला लफ्स जो आपको नहीं आता, जो गलत आंसर होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। जो गलत ऑप्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाँ बड़ा डिस्ट्रैक्टर, बड़ा से निकले जाहिर है कि पर किसूल ही कहूंगा हम क्या लोग क्या आलाओ। अब खुदा के बंदे आपके पास असल में ऑप्शन दिया होता ना, चौथा ऑप्शन बना नहीं सकते, जब बना नहीं सकते तो आलाओ, ये आलाओ के चीज़ नन ऑफ दाओ। अच्छा ये इसकी जिंदा मिसाल है मैडम ना, तो ये आल ऑफ दाबा और नन ऑफ दाबा ऐसे नहीं डालने। या आपने खुद ही ऑप्शन दे दिया, तीन आपने ऑप्शन सॉरी डिस्ट्रैक्टर जो है वो ममालिक के नाम दे दिए, चौथा किसी सिटी का नाम दे, तो खुदा के बंदे कोई लॉजिक होती नहीं किसी चीज़। सो दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स हाउ टू डू दीज थिंग्स। अब जब भी आप एमसीक्यूज डेवलप करें एक चीज का बड़ा ख्याल रखें। चलिए मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका स्टेम क्या होना चाहिए, और ओपिनियन क्वेश्चंस कभी भी ना पूछा करें। रिमेंबर वन थिंग, एमसीक्यूज में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ लिया करें। पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, नीचे आपने ऑप्शन दिए कि खुदा के बंदे सारे के सारे ठीक है, ये ओपिनियन वाले क्वेश्चन है। लेकिन पाकिस्तान की पहली पॉलिसी कब बनी थी, अब ये ओपिनियन वाली, इसको फैक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। फैक्चुअल जो फैक्ट्स के ऊपर बेस करे, जो डेटा के ऊपर बेस करे। जब भी आप सवालात करें सो फैक्चुअल सवालात कर दिया करें एमसीक्यूज के अंदर। ओपिनियन वाले, ओपिनियन वाले के कौन सा टाइप क्वेश्चन ठीक है, ओपिनियन के कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू ठीक है कि आर आर क्यू की ई आर क्यू, ये बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है, अटेंशन प्लीज। जब भी आप एमसीक्यूज पोर्शन डेवलप करें आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस। कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो हम गलती करते हैं, हम लिखते हैं जी चूज द करेक्ट वन, ये इंस्ट्रक्शन ठीक है, ए बी सी और डी इंस्ट्रक्शंस ठीक है कि गलत है, सी ज्यादा स्पेसिफिक है। एनीबॉडी एल्स, ये इंस्ट्रक्शंस ठीक है कि गलत है सर, what does choose mean, select, what does choose mean, select, yes sir, circle shape, circle ji ji, agar iski bajaye hum sar wali baat le, aapne kaha choose the correct, aur bechara kehta hai ki chale ye to maine select kar liya, choose to kar liya, ab main iske sath karun to kya karun, तो कोई इसको सर्कल करेगा, कोई अंडरलाइन करेगा, कोई क्रॉस करेगा, कोई दोबारा से एनिटी का खुदा के बंद हो साफ सुथरा लिखो, सिंपल ये कर लो टिक द करेक्ट वन, बस अब बात ही खत्म।
आपके लिए सर्वर में करेक्ट वन ये ठीक है अंडरलाइन चूज कभी ना लिखा है सर अंडरलाइन लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक आपने स्पेसिफाई किया आपके लिए रीराइट द करेक्ट वन रीराइट द करेक्ट वन इन द गिवन स्पेस आपने बिल्कुल ठीक कर दिया लेकिन अगर आप कहते हैं चूज द करेक्ट वन इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस कभी भी ना दें बिल्कुल लिखा लेकिन गलत है ना देखिए किसी चीज का होना या किसी चीज की तरफ का चलना जो है ट्रेडिशनल तरीके से चलना उसके सही होने की हर किस दलील नहीं है हम कहते हैं नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल गलत है उसकी तरफ आ रहे हैं अभी उसकी तरफ आ रहे हैं ये तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं ना एंड देयर इज अ लॉजिक अब इस लॉजिक क्या है अब बेचारा कहते हैं करूँ तो क्या करूँ इसके साथ फिर आपसे पूछता है कि मैडम ये दोबारा लिखूँ क्या करूँ इसके साथ व्यतवर तवैया तो वैसे सर्कल ही का किसी को कहते सर्कल कर ले किसी को ड्राइंग कर ले कहते कि ना देते स्पेस को भी का व्हाई नॉट टू करेक्ट सिंपल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस व्हाट टू बी डन विद द आंसर इज द मैसेज क्लियर जब भी आप पेपर डेवलप करें इंस्ट्रक्शंस का बड़ा ख्याल रखें नंबर वन नंबर टू जहाँ पर वेरिएशन आती हो तो वहाँ पर आपने फिर इंस्ट्रक्शन को चेंज करना है या फिर MCQs आपके पास चल रहे हैं और फौरन से आपके पास कौन सी सिलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर मैच द कॉलम वाला आ गया तो मैच द कॉलम वाला टिक वाला नहीं होता ना वहां पर फिर आप दोबारा से इंस्ट्रक्शन का फायदा दे देंगे मैच द कॉलम और फिर आप दे देंगे इस तरीके से ये नहीं कि आपने क्वेश्चन लिख दिया ये क्वेश्चन नंबर 8 और मैच द कॉलम डाल के खुदा ओके दे टिक द करेक्ट वन नहीं तो जहां पर भी वेरिएशन आएगी वहां पर आप इंस्ट्रक्शंस को लिख के चेंज कर सकते हैं इस दिस मैसेज आ सकते हैं ठीक है दो चीजें होंगी आपके पास तीसरी बात एक और चीज एमसीक्यूज में लेंथ आपने सिमिलर किस तरह सिमिलर अगर आपके पास ऑप्शन ए है दो वर्ड्स का तो ऑप्शन सी और डी दो वर्ड्स का होना चाहिए ये नहीं कि एक ऑप्शन आपके पास दो वर्ड्स का दूसरा पांच वर्ड का दो से तीन हो सकते हैं लेकिन दो से पांच नहीं हो सकते बुरा लगेगा फिर जब भी आप एमसीक्यू डेवलप करें इट्स द इम्पॉर्टेंट वन देखें इससे लो बेस्ड जो एग्जामिनेशन सिस्टम आ रहा है तो वहां पर आपके पास रेडीमेड क्वेश्चंस जो आपके पास होंगे एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे बल्कि क्वेश्चंस आपने खुद से डेवलप करने हैं आज की एक्टिविटी इसी चीज के मुताबिक है कि इससे लो बेस्ड जब आप आइटम डेवलप करेंगे तो एक स्टैंडर्डाइज आइटम किस तरीके से डेवलप करेंगे शायद किसी के पेरेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो टेक्निकली चीज टेक्निकलिटीज को समझता हो तो आपके पेपर को देखेगा उनको पता चल जाए कि ये किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाया लेकिन जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे वो कहेंगे कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया फिर आप बच्चों को भी जो प्रैक्टिस कराएंगे तो इसी चीज़ तरीके से खुद क्वेश्चन डेवलप करके उनको प्रैक्टिस कराएंगे अच्छा लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए और लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए लॉजिकल से हम राधे कोई तुक तो बनती होना अगर ह्यूमन है तो सारे के सारे ह्यूमन अगर बर्ड्स है तो सारे के सारे बर्ड्स अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अनलेस एंड अनटिल आपका क्वेश्चन ये हो कि आइडेंटिफाई और चूज और टिक द ऑड वन अगर सवाल आप ये ना कि सेलेक्ट द ऑड वन या टिक द ऑड वन फिर तो आप एक इररिलेवेंट चीज डाल सकते हैं लेकिन अगर ममालिक के नाम आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका तो तीसरा आपने इस्लामाबाद नहीं डालना तो लॉजिक ही नहीं बनना अगर बर्ड्स आ रहे हैं तो बर्ड्स ही के नाम होने चाहिए लाज वही को बात है ना थ्री आपने कंट्री नेम डाले तो चौथा वाला आपका ऑड वन नहीं होना चाहिए हाँ अगर सवाल आपका ये हो कि चूज द ऑड वन हाँ बिल्कुल नहीं करना इंसानों के नाम आ रहे मेल के नाम आ रहे अहमद अली अकबर और तीसरे के साथ दिया हाँ या तो ये कर ले कि दो मेल के नाम डाले दो फीमेल के नाम डाले तीन आपने शहरों के नाम दिए चौथा मोहल्ले का नाम डाल दिया होगा केवल नहीं अगर शहरों के नाम है तो सारे इसको कहते हैं लॉजिकल ऑर्डर और एक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल किसे कहते हैं गौर से सुनिएगा आप कहते हैं 1947 1967 1977 1987 ठीक है ठीक
और गलती कहाँ पे है? अच्छा एक और मैं आपको देता हूँ, इसमें भी गलती है। 1947, 1987, 1977, 1977। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गलती क्या है, गौर से देखिए। 67, 77, 87, बीच बीच में 10-10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर होना चाहिए था 57 या 47 के बाद फिर यहाँ पर 57, 67, 77। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? डिफरेंस और गैप अमंग टू अकरेंसेस, गैप अमंग टू अकरेंसेस, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो आपके पास जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो सेम होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए। आप कहते हैं 62, 64, क्या होना चाहिए? आप कहते हैं 37, 47, फिर क्या होना चाहिए? आप कहते हैं 37 और 57, फिर क्या होना चाहिए? Now got this one? जो भी आप पहले वाले के बीच में डिफरेंस को मेंटेन करते हैं उसी तरकीब से मिलता है। Is this message clear? देखो क्या क्रोनोलॉजिकल, हाँ ये असेंडिंग में भी हो सकती है और डिसेंडिंग में भी हो सकती है, जो आप लोग समझते हैं। ये भी हो सकता है कि नीचे से स्मॉल और ऊपर बढ़ते चले और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। सो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ऑप्शन आप किस तरह से वो जो करेक्ट होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होता है आपके पास, करेक्ट की जो उसको कहते हैं, वो तो कोई डेट होगी ना। मिसाल के तौर पर क्या चीज है? 14 अगस्त 19। चलिए अब ऑप्शन ए को आपने डाल दिया, बी क्या हो सकता है? अगर आपने दूसरा डाल दिया 15, तीसरा कौन सा होना चाहिए? अगर आपने यहाँ पर डाल दिया, अगर इसके पास सितंबर है, 14 सितंबर, फिर क्या होना चाहिए? 14, फिर क्या होना चाहिए? दूसरा ऑप्शन आप जो भी डालते हैं फिर उसी सीक्वेंस को आपने नीचे लेकर जाना है बस। नाउ दिस गॉट दिस वन, आप जो भी यहाँ पर आप 14 के बाद 13 अगस्त डाल रहे हैं और 1947 ही डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो नीचे आपने उसी गैप को जो है वो मेंटेन रखना है। दैट्स द सिंपल थिंग, ठीक है मैडम। अब आप ऑड मंथ्स दे देते हैं, इधर उधर चलाएंगे लगा देते हैं, तो आप हिंट्स दे रहे होते हैं बच्चे को कि बेटा बस यही वाला ठीक है। आप कहते पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पहले आज़ाद हुआ था, फिर कहते 1857 को आज़ाद हुआ था। अब खुदा के बंदे इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस देकर आपको उनको हिंट्स दे रहे कि यही वाला ठीक है बस, तो आपने हिंट्स नहीं देने डायरेक्ट कि बस यही वाला ऑप्शन किया। तो आप पहला वाला यानी जो की है ना, की से फिर आप अगर उधर जाते हैं तो उधर जाएं, अगर इधर आते हैं तो इधर आएंगे, ठीक है? क्लियर? स्टिल कंफ्यूज? डिसएग्री? चलिए आप बता दीजिए आप। बड़े बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है, ना एक अब एक और चीज़ ना, आप मैडम की बात बड़ी बाजी करते हैं ना, बाज़ अवकात आपके पास कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जो डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट टाइम्स में अकर होते हैं, वहाँ पर फिर आपने क्रोनोलॉजिकल की बजाय लॉजिकल पार्ट को देखना है। किस तरीके से? आप कहते हैं पाकिस्तान का पहला आईन कब बना? तो आप 1956 दे रहे हैं, 1973 भी दे रहे हैं। अब आप लॉजिकल सॉरी क्रोनोलॉजिकल की बजाय किस चीज की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी डेवलप हुआ था, वहाँ पर भी हुआ था और वहाँ पर भी हुआ था,
वाले के इनमें से पहले वाला कब डेवलप हुआ था? अब पहले कब आपको फोकस किस चीज़ पे था? पहले वाले पर, स्टेटमेंट पर। तो उसके लिए अब आपने ये करके ना, तो फिर आपने सारे के सारे इवेंट्स जो डालने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले ही डालने हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर डालकर 1857 भी डाल दे, इसका मतलब कि आपने तो कहीं और चले गया। तो उस सूरत में आप दोबारी बात बिल्कुल ठीक है। तो जब आप लॉजिकल से क्रोनोलॉजिकल की तरफ जाते हैं वहाँ पर फिर आपने डिफरेंस को मेंटेन रखना, ठीक है? वेरी पॉइंट, वेरी गुड। लेकिन इवेंट सेम होने चाहिए, इसी को लॉजिकल कहते हैं। सेम चीज़ें होनी चाहिए, सेम चीज़ें। यस एनी क्वेश्चन? आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू आस्क मी क्वेश्चंस। चलिए, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं लिखना, नन ऑफ द अबव भी नहीं लिखना। क्यों कर नहीं लिखना? उसकी एक रीज़न है। नंबर वन, ये ऑल ऑफ द अबव तो आपने पढ़ाया ही नहीं ना। आपने जो कंटेंट पढ़ाया हुआ है तो उसमें कहीं लिखा हुआ होता है ऑल ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव कहीं पे लिखा होता है? जब लिखा ही नहीं है तो आप क्यों कर उसको ऑप्शन में डालते हैं नंबर वन? नंबर टू, ऑल ऑफ द अबव इस वजह से भी नहीं डालना क्योंकि बेचारा आ गया और सेम नाम है, कायदे आज़म भी आ गया जी, अलामा मोहम्मद इकबाल भी आ गया और लियाकत अली खान भी आ गया, और आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑल ऑफ द अबव बेचारा पहुँच कर करेगा, बस ये सारे के सारे अपने आप को परेशान करेगा, नहीं सोचेगा भी नहीं। सोचने की कैपेसिटी बच्चे की कम हो जाती है। आप कहते ऑल ऑफ द अबव, आप कहते हैं नन ऑफ द अबव। और दूसरी बात, ऑल ऑफ द अबव अगर आपके पास ऑप्शन डी है, की है आपके पास ऑल ऑफ द अबव, इसको गौर से सुनिएगा, ये है आपके पास की। आप कहते हैं पाकिस्तान की आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया था, पहले आपने लिखा कायदे आज़म, बेचारा उधर ही पहुँच कर उसने टेक कर दिया कि कायदे आज़म भी था जिसका मेन किरदार था, वो नीचे आया ही नहीं, आया नहीं क्योंकि नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी कि बेबी दे के सी बी दे के और फिर डी की तरफ आए, और आपका ऑप्शन कौन सा था? ई, ऑल ऑफ द अबव। बेचारा पहले जात पे जाकर वो कहते हैं बस यही ठीक है, असल में ठीक तो सारे के सारे थे ना नीचे वाले भी, तो आपने बेचारे को उधर ही रोक दिया, उसने उधर टेक कर लिया, वो भी ठीक था, अगर वो ठीक था तो ये भी ठीक था, फिर ना ऑल ऑफ द अबव इज नथिंग एट ऑल, नन ऑफ द अबव इज नथिंग एट ऑल, इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्डाइज आइटम्स होते हैं, आप किसी भी रिसर्च पेपर को देख लें वहाँ पे साफ सुथरा लिखा होता है, और ये हमेशा टीचर्स जब उनसे फोर्थ ऑप्शन ना बन रहा हो तो अपनी आसानी के लिए ऑल ऑफ द अबव लिख देंगे, इसको अवॉइड कीजिए। बल्कि आप जब अपनी सीक्वेंस खुद बनाएंगे ना इन चीज़ों को कंसिडर करके, ये फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन को कहते हैं कि आप चीज़ों को कंसिडर करें। अच्छा, ए बी सी डी को आपने बैलेंस करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दो ऑप्शन हो तो कितने कितने ए, ना अगर दो ऑप्शन हो तो ए कितने होने चाहिए, बी कितने होने चाहिए, एक्सेलेंट। अगर थ्री ऑप्शन हो तो 33, अगर फोर ऑप्शन हो तो इसको कहते हैं बैलेंस, ठीक है? और डिफिकल्टी लेवल का बड़ा ख्याल रखना है, आसान पेपर भी नहीं बनाना, मुश्किल भी नहीं बनाना, दरमियाना भी नहीं बनाना, क्योंकि एक सो बाकायदा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो लास्ट टाइम मैं आपको दिखा चुका हूँ और इनको आज दिखा दूंगा, बाकायदा हर एक सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है कि कितने ईजी सवाल होने चाहिए, कितने मॉडरेट होने चाहिए और कितने डिफिकल्ट होने चाहिए, वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में हम देख लेंगे। सो आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि आप इस डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन रखें, ईजी भी डालने हैं, मॉडरेट भी डालने हैं और डिफिकल्ट भी डालनी है, क्योंकि एक बेहतरीन पेपर, रिमेंबर वन थिंग, बेहतरीन पेपर ये होता है उसकी एक क्वालिटी है, उसको कहते हैं इट शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ पुअर या वीक एवरेज एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ऐसा पेपर आपने बना दिया कि कोई भी ना कर सका, आपका पेपर ही गलत है। ऐसा पेपर हो जो आपको क्लियर पिक्चर दे दे कि कौन सा बच्चा ज़्यादा काबिल है, कौन सा एवरेज है, कौन सा कम काबिल है, वो तब आपको देगा जब आपने पेपर ऐसा सेट किया हो। तो इज दिस मैसेज क्लियर? ठीक है, सो डिफिकल्टी लेवल का बड़ा ख्याल आपने सवाल के अंदर ख्याल रखना है, एंड अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, बार बार किसी स्टेटमेंट का ऑप्शन में रिपीटिशन जो है इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट।
Now any question? No questions. अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ और जिनसे पूछूँ तो उसने मुझे बताना है कि ये जो मैंने बात देखी कौन सी वाली बात इसके अंदर है और कौन सी नहीं। मैडम ये एक सवाल है मैडम।